हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पेज टीमेट्स। बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 3.10 चल रही है। इस एक्सरसाइज में हम फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, आपसे क्या दिया हुआ है देखिए। वी हैव साइन एम एक्स इज इक्वल्स टू साइन एन एक्स। क्लियर है? अब आप यहां पर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू एन की जगह पी लिखिए, प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन की जगह हम पी ले रहे हैं इंटू वाई। साइन एक्स इक्वल साइन वाई होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में एन ऑलरेडी है, इसलिए हमने एन की जगह पी ले लिया। पी कहाँ से बिलोंग करेगा? इंटीजर से। अब ये टर्म आप लेफ्ट में लेकर के जाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस माइनस वन की पावर पी इंटू एन एक्स इज इक्वल टू पी पाई। अब यहाँ पर एम एक्स प्लस माइनस वन की पावर पी प्लस वन हो जाएगी और इंटू एन एक्स इज इक्वल्स टू पी पाई। यहाँ से आप एक्स को कॉमन निकाल दें, एम प्लस माइनस वन रेज टू पावर पी प्लस वन इंटू एन, और यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लें, ये हुआ पी पाई। और अब ये डिवीजन भेज देंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी पी पाई डिवाइडेड बाई एम प्लस माइनस वन रेज टू पावर पी प्लस वन इंटू एन, जहाँ पर पी किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से बिलोंग करता है। ये था बेटा आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? और अगर आप यहाँ बाहर माइनस रखते हैं तो फिर ये पी पावर रहेगी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू पी पाई डिवाइडेड बाई एम माइनस माइनस वन रेज टू पावर पी इंटू एन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। इसके जब आप सेकंड पार्ट में चलेंगे तो बेटा सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है टेंजेंट एन एक्स इज इक्वल टू कोट एम एक्स इज इक्वल टू कोट टेंजेंट एम एक्स। कोट को आप टेंजेंट में चेंज कर दीजिए, टेंजेंट एन एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाई टू माइनस एम एक्स। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा होता है। अब आप इसको एक्स मानिए और इसको वाई मानिए। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन लगती है इंटू वाई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर एन ऑलरेडी है तो इसलिए एन की जगह हमने पी ले लिया, जहां पर पी किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। अब एन एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू पी पाई प्लस पाई बाई टू माइनस एम एक्स। माइनस एम एक्स इधर आकर प्लस एम एक्स हो गया तो एम प्लस एन इंटू एक्स इज इक्वल्स टू पी पाई प्लस पाई बाई टू। अब ये डिवीजन में आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू आपके पास होगी पी पाई प्लस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये आपके पास था बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट। क्लियर है? और ऊपर से आप टू एलसीएम भी ले सकते हैं, तो जब टू एलसीएम लेंगे तो आप और ऊपर से पाई कॉमन भी ले सकते हैं, तो आपके पास टू तो एलसीएम आ जाएगा। ये हुआ टू पी प्लस वन और आप पाई भी कॉमन निकाल सकते हैं और डिवाइडेड बाई एम प्लस एन ऑलरेडी है। क्लियर है? ये आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। पी क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि एन ऑलरेडी यहाँ पर था, इसलिए लिया जा रहा है। इसके बाद चलते हैं हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। टेंजेंट 5x इंटू टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू वन। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू वन अपॉन टेंजेंट 5x। अब यहाँ पर टेंजेंट 2x, वन बाई टेंजेंट को कोटेंजेंट 5x लिख सकते हो। अब कोट को टेंजेंट में चेंज कर दो तो टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाई टू
माइनस फाइव एक्स हो गया। अब टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, वाई है पाई बाई टू माइनस फाइव एक्स, फाइव एक्स इधर करके ऐड हो जाएगा तो आपके पास हो गया सेवन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, सेवन डिवीजन में चला जाएगा और जहाँ पर n है वो किससे बिलोंग करता है इंटीजर से, x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस पाई बाई टू और 7 ऑलरेडी है तो आप ऊपर से पाई कॉमन भी ले सकते हो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 14, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है इंटीजर से बिलोंग करता है। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट, ठीक है, आप अलग अलग भी इनको रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स, साइन एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। अब टेंजेंट एक्स को आप साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, आप इसको भी इधर ले आइए, साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकाल दीजिए तो आपके पास हो गया कोस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब अलग अलग कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट या तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो है या फिर कोस एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो है। अगर साइन एक्स की वैल्यू जीरो है इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, वेयर एन किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से, और इसका मतलब कोस एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन और वन को आप लिख देना कोस जीरो डिग्री, और कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई, या एन की जगह पी भी ले सकते हैं, टू पी पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है, जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू पी पाई, एन भी ले सकते हैं और पी भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, पी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो एक्स की आपके पास ये दो वैल्यू जा जाएंगी। ये था आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, आप ये एन भी ले सकते हैं और पी भी ले सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई, कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी मर्जी, एन पाई या टू पाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोलता है, साइन टू एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स प्लस साइन फोर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब शुरू की दो टर्म्स को जब आप सोल्व करोगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग गया, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू प्लस साइन फोर एक्स एज इट इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो टू साइन ये आपके पास हो गया फोर एक्स और ये आपके पास हो गया कोस टू एक्स प्लस साइन फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप दोनों जगह से साइन फोर एक्स कॉमन ले सकते हो तो आपके पास बचा टू कोस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब दिस इंप्लाइज दैट आइदर साइन फोर एक्स की वैल्यू जीरो होगी या फिर टू कोस टू एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो होगी। अगर यहाँ जीरो है तो इसका मतलब फोर एक्स की वैल्यू एन पाई, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करता है इंटीजर से, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाई फोर। इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आपके पास कोस टू एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू आएगी, माइनस एज इट इज वन बाई टू वैल्यू कोस की क्या होती है 60 पे, कोस पाई बाई थ्री। अब कोस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, तो पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट ही आता है तो सेकंड में जाएंगे तो कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये आपके पास है कोस टू पाई बाई थ्री हो जाएगा। अब कोस एक्स इज इक्वल कोस वाई का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास टू एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ टू एन पाई प्लस माइनस वाई टू पाई बाई थ्री, टू डिवीजन में चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, तो इस तरीके से। और यहाँ भी जो एन है वो किससे बिलोंग करता है इंटीजर से बिलोंग करता है। ये था
ये था आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सिक्स्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके पास है कोस एक्स प्लस कोस टू एक्स प्लस कोस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। इसको आपने सोल्व करना है। अब मैं ये दोनों टर्म इकट्ठी लेता हूँ ताकि बटे का सिस्टम ना रहे। कोस एक्स प्लस कोस थ्री एक्स प्लस कोस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक बार तो ऐड करके टू से डिवाइड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करना। जब सी डी फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस सी प्लस कोस डी होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू प्लस कोस टू एक्स एज इट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से टू कोस ये हो जाएगा टू एक्स और ये आपके पास हो जाएगा कोस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप इधर है कोस टू एक्स, कोस टू एक्स, अब दोनों जगह से कोस टू एक्स कॉमन निकाल दीजिए, टू कोस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब इधर कोस टू एक्स की वैल्यू जीरो होगी और टू कोस एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ से तो टू एक्स इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू हो जाएगा, टू डिवीजन में आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई फोर हो गया, जहाँ पर एन इंटीजर से बिलोंग करता है। इधर कोस एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू होगी और माइनस वन बाई टू को आप कोस माइनस एज इट इज कोस पाई बाई थ्री लिखेंगे और फिर इसको कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होता है, सेकंड फर्स्ट आता है, और ये आपके पास हो जाएगा कोस टू पाई बाई थ्री। अब कोस एक्स इक्वल कोस वाई का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वाई आपके पास है टू पाई बाई थ्री और यहाँ पर भी एन किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। डिफरेंट डिफरेंट भी दे सकते हैं एन और पी, दोनों जगह सेम एन भी दे सकते हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स। साइन साइन एक तरफ कर दें, कोस कोस एक तरफ कर दें, कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी में टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो हो गया साइन थ्री एक्स बाई टू और ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, ये आपके पास हुआ कोस थ्री एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू। सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे तो आपके पास हुआ साइन थ्री एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू माइनस कोस थ्री एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों जगह से साइन एक्स बाई टू कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास हुआ साइन थ्री एक्स बाई टू माइनस कोस थ्री एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। दो ऑप्शन है, आइदर साइन थ्री एक्स बाई टू माइनस कोस थ्री एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो और यहाँ पर साइन एक्स बाई टू की वैल्यू जीरो। इधर तो जब आप सोल्व करोगे तो एक्स बाई टू की वैल्यू आपके पास हो जाएगी एन पाई और एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा टू एन पाई, जहाँ पर एन बिलोंग किससे करता है, इंटीजर से। ठीक है, इधर आप आएंगे सोल्व करेंगे तो इसका मतलब साइन थ्री एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू कोस थ्री एक्स बाई टू। अब कोस को साइन में चेंज कर देंगे तो ये आपके पास इधर डिवीजन में ले आइए, इसके साथ वन तो है ही। टेंजेंट थ्री एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू वन, वन को आप टेंजेंट पाई बाई फोर लिख सकते हैं और अब टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई
का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगी x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई, वाई आपके पास है पाई बाई फोर। अब 3/2 को आप वहाँ ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू एन पाई प्लस पाई बाई फोर। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, क्लियर है? ये था, क्योंकि दोनों जगह एंगल सेम था तो मल्टीप्लाइंग तो उसको डिवाइड में ले गई, अदरवाइज यहाँ पर कोस को साइन में चेंज करना पड़ता, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मीन्स फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स प्लस कोस थ्री एक्स माइनस कोस फोर एक्स इज इक्वल्स टू जी, प्लस प्लस की टर्म में इकट्ठी कर देते हैं, कोस थ्री एक्स प्लस कोस एक्स, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, कोस फोर एक्स प्लस कोस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, माइनस यहाँ भी कोस सी प्लस कोस डी लगेगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। आप सोल्व करेंगे तो टू कोस ये हो जाएगा टू एक्स और ये आपके पास हो जाएगा कोस एक्स माइनस टू कोस, ये आपके पास हो जाएगा थ्री एक्स और ये आपके पास हो जाएगा कोस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों जगह से टू कोस एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा कोस टू एक्स माइनस कोस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ना लगाएं तो भी काम चलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट आइदर टू तो जीरो हो नहीं सकता, कोस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और कोस टू एक्स माइनस कोस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो कोस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू कोस टू एक्स, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का फॉर्मूला लगा दें तो एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई। अब आप इसको यहाँ लेफ्ट में ट्रांसफर कर दें तो थ्री एक्स माइनस प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई। अब या तो फाइव एक्स होगा या फिर x होगा, किसके इक्वल है 2n पाई के, तो इसका मतलब x की वैल्यू एक तो होगी 2n पाई और एक होगी 2n पाई अपॉन 5, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। ये था आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। सेवंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट टू एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट टू एक्स इज इक्वल्स टू वन। अब आप सभी टर्म्स को एक तरफ कर दें या दोनों तरफ वन वन ऐड कर दें, ठीक है, दोनों तरफ वन वन जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वन प्लस टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट टू एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट टू एक्स इज इक्वल्स टू टू। शुरू की दो टर्म में से वन कॉमन आ जाएगा तो आपके पास हुआ वन प्लस टेंजेंट एक्स, फिर प्लस आप यहां से टेंजेंट टू एक्स कॉमन ले ले तो आपके पास हो जाएगा वन प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू टू। अब दोनों जगह से वन प्लस टेंजेंट एक्स कॉमन ले लिया तो आपके पास हो गया वन प्लस टेंजेंट टू एक्स इज इक्वल्स टू टू। अब आप इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे या सभी को एक ही साइड में ले जा सकते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, वन माइनस टेंजेंट एक्स
दोनों तरफ टू सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इनको सीधा भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो आपके पास ये हो जाएगा वन माइनस टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट टू एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आप यहाँ से वन कॉमन ले लें, वन माइनस टेंजेंट एक्स और माइनस टेंजेंट टू एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से बिठाई आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनका प्रोडक्ट टू के इक्वल आता है। ओके थैंक यू। तो आप इसको सोल्व करें और एक्स की फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक तो रास्ता था आपके पास ये, दूसरा आप इनको साइन कोस में कन्वर्ट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये था। ओके थैंक यू।